हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये इंद्रजीत और मेघनाथ एक ही व्यक्ति के दो दो नाम, ये विलक्षण बात कैसे? इंद्रजीत जन्म से ही अत्यंत विलक्षण विशेषण लेकर पैदा हुआ था। जन्म लेते ही इसके प्रथम रोदन में मेघ गर्जन जैसी ध्वनि थी, इसलिए महाराज रावण ने इसका नामकरण मेघनाथ कर दिया। बाल्यकाल से ही इसकी बाल क्रीड़ाएं भी विलक्षण थी। किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मेघनाथ ने अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में दैत्यों के कुलगुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली। इंद्रजीत ने सदा वीरों को धूल में मिला दिया है, देवताओं का गर्भ चूर चूर किया है। रणभूमि में इन वानरों से खिलवाड़ करने में आनंद नहीं, किसी वीर की वीर के साथ टक्कर हो तो योद्धा की रणपिपासा पूरी होती है। बिजली जैसी चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी, रणवीरन के उर्चीरन को परगट रण माही भाई बरछी। सब रोकन हारे हार गए, सब रोकन हारे हार गए, नहीं काहू के रोके रुकी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो, सीधी उर माही धसी बरछी। इस प्रकार गंभीर चिंतन में क्यों खो गए पिताश्री? जब से मैंने रणभूमि में जाने का निश्चय किया है, आप गहरी सोच में पड़ गए। बात क्या है महाराज? आप हमेशा मेरे रणभूमि में जाने में असमंजस में पड़ जाते हैं, ये किस कारण? पुत्र मोहवश अथवा आपको मेरे रण कौशल पर संदेह है? संदेह? तुम पर संदेह? इंद्र के वज्र को भी मामूली कंकर की तरह प्रभावहीन कर देने वाले इंद्रजीत पर संदेह? देवास संग्राम में अपने पिता की पराजय को अपने पराक्रम से विजय में परिवर्तन कर देने वाले पुत्र पर हम संदेह कैसे करेंगे? बस तो फिर अभी तक आपने मुझे कूच करने का आदेश क्यों नहीं दिया महाराज? इंद्रजीत, तुम लंका की सबसे सुदृढ़ प्राचीर हो। लंका के गढ़ की नींव तुम्हारे ही आधार पर टिकी हुई है, अंत तक तुम्हारी सुरक्षा करना आवश्यक है। आदि देव तुम्हारी रक्षा करे। यदि तुम्हें कुछ हो गया बेटे तो लंका अनाथ हो जाएगी। अनाथ? आप कह रहे थे लंका कैसे अनाथ हो सकती है पिताश्री, परंतु मेरे रहते यदि लंकेश्वर का मान भंग हुआ
लंकानाथ की प्रतिष्ठा की अगर रक्षा न हो पाई तो मेरे जैसी प्राचीर का गढ़ के ऐसे पर कोटे का क्या लाभ? लाभ और हानि का हिसाब हम तुम्हें कैसे समझाएं बस? अनमोल से अनमोल रतन भी अपना मोल आप नहीं जानते। आज केवल लंकेश्वर की ही नहीं पूरी लंका की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है। सारी असुर जाति की आन का सवाल है और उसे बचाने के लिए आप और मैं केवल दो ही बचे हैं और हम दोनों में से किसी एक को जाना। तो हाथ में युद्ध की पताका लेकर सबसे पहले तुम्हारा पिता जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लंका का भविष्य हो मेरे लाल और भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का धर्म है। ये पिता का मोह बोल रहा है परंतु पुत्र का धर्म उसकी आज्ञा नहीं देता। जो पिता के काम ना आ सके वो पुत्र ही कैसा? इंद्रजीत के होते हुए आप जाएं तो धिक्कार है उसे। आपका रणभूमि में स्वयं जाना उस दिन भी मुझे उचित नहीं लगा था। हनुमान को दूत मानकर छोड़ देने के पक्ष में भी मैं नहीं था। अंगद आया और भरे दरबार में मनमानी करके अकड़ता हुआ चला गया। हम तरा देते गए और उनके उत्साह बढ़ते गए। पिताश्री लंका की प्रतिष्ठा पर अपने प्राणों की आहुति देकर जो चले गए उन्हें मैं लौटा कर तो नहीं ला सकता, परंतु विश्वास कीजिए उनकी मौत ने मेरे मन में प्रतिशोध प्रतिहिंसा की ज्वाला और भड़का दी है। राम का मस्तक लक्ष्मण का वक्षस्थल सुग्रीव अंगद हनुमान के प्राण लेने के लिए मेरे अस्त्र शस्त्र उतावले हो रहे हैं। आज्ञा दीजिए आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। असुर नायक अपने सेनानी को प्रलय बनकर शत्रुओं का विनाश करने का आदेश दे। आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं इंद्रजीत कि पाताल में भैया अहिरावण ने हमें आश्वासन दिया था कि जब भी आवश्यकता होगी वह हमारी सहायता के लिए आएंगे। वह माया रचने में हम लोगों से भी आगे है, उन्हें क्यों न बुला लिया जाए? अपने पुत्र के होते हुए आप दूसरे लोग से भाई को अपनी सहायता के लिए बुलाएंगे तो इंद्रजीत लंका की प्रजा के सामने सर उठाकर कैसे चलेगा? पिताश्री आपके मन में दुर्बलता एक छोटा सा छिद्र कर रही है, उससे सावधान रहे। जीत के लिए पूर्ण मनोबल आवश्यक है। इंद्रजीत पे विश्वास करें, मैं युद्ध का चित्र ही बदल दूंगा। आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दोनों दें पिताश्री। जाओ ताज, युद्ध पताका फहराते हुए लौट कर आओ। यही होगा, यही होना निश्चित है महाराज। आज सूरज से पहले उन सूर वंशियों का सूरज करके मेघनाथ गगन में गरजते मेघों के समान अखिल ब्रह्मांड में अपना जयनाथ गुंजाता हुआ लौटेगा। अगर आज मेघनाथ के जयनाथ की घोर गर्जना दशो दिशाओं में नहीं गूंजी तो वह शस्त्र उठाना छोड़ देगा और लंका के सागर में जल समाधि ले लेगा। नहीं नहीं, तुम अवश्य विजयी होकर अपने पिता का मस्तक ऊंचा करके लौटोगे। यह विश्वास विद्युत बनकर कौंध रहा है हमारे मन में। जाओ इंद्रजीत, आज नई जीत का कीर्तिमान स्थापित करके लौटो। विजयी भव। Thank you.
तुम इस तरह सहमी सहमी क्यों खड़ी हो प्रिय? जब योद्धा रणभूमि में जाते हैं तो उनकी पत्नियां सहमी सहमी दूर नहीं खड़ी रहती, अपने हाथों से उनके अस्त्र शस्त्र सजाती हैं, उनका उत्साह बढ़ाती है। आज युद्ध में मैं सेना का नेतृत्व कर रहा हूं, कितना खुशी का अवसर है, परंतु तुम वहां खड़ी जाने क्या सोच रही हो? सोच रही हूं इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। युद्ध का परिणाम केवल एक ही होगा, हमारी विजय। इस विजय का मोल क्या चुकाया जाएगा? सुलोचना, शेष नाग की पुत्री और इंद्रजीत की पत्नी होकर तुम इन अकार्थ के प्रश्नों में कहां खो गई हो? विजय के लिए कितना मोल चुकाना होगा, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, ये सब बातें वीर पुरुष कभी नहीं सोचते। इस समय शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा चुनौती दे रहा है। ये समय मन में किसी शंका, किसी दुर्बलता को लाने का नहीं है, केवल एक ही लक्ष्य है, उसकी चुनौती का उत्तर अपने बाहुबल से देना है। नाग बाले, हंसते हंसते हमें युद्ध में भेजने की तैयारी करो, जिससे कि हम विजयी होकर तुम्हारे पास लौटे। लो, मातेश्वरी भी आ गई। मां, आशीर्वाद दो। मेरी आयु भी विधाता तेरी आयु के साथ जोड़ दे, तू युग युग जिए मेरे लाल। आयु का नहीं, विजय का वरदान दो मां। यदि सृष्टि रचयिता भगवान के बाद माँ का ही स्थान है, तो तुझे माँ का वरदान है कि आज रणभूमि से मेरा मेघनाद विजयनाद करता हुआ लौटेगा। माँ का आशीर्वाद मिल गया, अब मेघनाद को कोई शक्ति नहीं हरा सकती। जब तक मैं अस्त्रों की पूजा करके आऊं, आप कुल देवी निकुंबला की पूजा का प्रबंध करें। शस्त्रागार में इंद्रजीत धर ध्यान, देवी का सुमिरन करे शस्त्रों का संधान। युद्ध होगा,
मैंने कहा ना लक्ष्मण भैया, लंका इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। पराजय के ऊपर पराजय पर भी लंका का उत्साह मन नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। लगता है आज युद्ध का नेतृत्व कोई विशेष महाबली कर रहा है। तो इंद्रजीत आ रहा है। हाँ, लंकेश्वर ने आज अपने सबसे प्रिय, सबसे अनमोल, सबसे पराक्रमी पुत्र को युद्ध के दांव पर लगा दिया है। आज मेघनाद रण क्षेत्र में आ रहा है प्रभु। जिसने इंद्र को जीतकर ब्रह्मा से इंद्रजीत नाम का अलंकरण प्राप्त किया। ये इंद्रजीत और मेघनाद एक ही व्यक्ति के दो दो नाम, ये विलक्षण बात कैसे? इंद्रजीत जन्म से ही अत्यंत विलक्षण विशेषण लेकर पैदा हुआ था। जन्म लेते ही इसके प्रथम रोदन में मेघ गर्जन जैसी ध्वनि थी, इसलिए महाराज रावण ने इसका नामकरण मेघनाद कर दिया। बाल्यकाल से ही इसकी बाल क्रीड़ाएं भी विलक्षण थी। किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मेघनाद ने अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में दैत्यों के कुलगुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली, जिनका महाराज रावण को भी अकस्मात ही पता चला। चामुंडाय विच्चे नमः। मौन तपस्वी ने रखा मंत्र पढ़े आचार्य, साधक पावे सिद्धियां, सिद्ध हो पुत्र। ये क्या अनुष्ठान हो रहा है? अनुष्ठान पूर्ण होने तक मेघनाथ मौन धारण किए रहेगा। आपके पुत्र ने कुलदेवी निकुंभला को सिद्ध करके 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्निष्ठोम, अश्वमेध, बहुस्वर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव यज्ञ की दीक्षा लेगा, जिसका अनुष्ठान हर किसी के लिए संभव नहीं। महेश्वर महादेव को प्रसन्न करके अनेक वर प्राप्त करेगा। इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्य रथ, तामसी नाम की माया, वाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकश, अजेय धनुष, शत्रुनाशक प्रबल अस्त्र आपके पुत्र को प्राप्त होंगे। फिर 10 दिशाओं में आपके पुत्र मेघनाथ का सामना कोई नहीं कर सकेगा। दशानन, गुरु शुक्राचार्य का कथन सत्य हुआ। मेघनाद ने समस्त शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। इसके समान अपनी सिद्धियों के मद में चूर दूसरा महाभट योद्धा पृथ्वी पर नहीं है। गतम युवराज मेघनाथ, सुग्रीव रण क्षेत्र में आपका स्वागत करने के लिए सबसे पहले आ गया है। सुग्रीव,
मेघनाथ के सामने आकर के वो अकाल मृत्यु को बुला रहे हो? कहाँ है राम और उसका छोटा भाई लक्ष्मण? उन्हें सामने आने को कहो। आज रण क्षेत्र में उनका काल आया है। श्री राम प्रभु के दर्शनों के बड़े उतावले हो रहे हो। स्वामी तक पहुंचने से पहले सेवक को तो सेवा का मौका दो मेघनाथ। तू नहीं, आज सबसे पहले अपने भाई अतिकाय के हंता लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाने आया हूँ। कहाँ है लक्ष्मण? उससे कहो इंद्रजीत ललकार रहा है। प्रभु, मेघनाथ मृगों के झुंड में घुसे हुए सिंह के समान वानर सेना का नाश करता हुआ बार बार दहाड़ दहाड़ कर वीर लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकार रहा है। आज्ञा दीजिए भैया, आज मेघनाथ नहीं या लक्ष्मण नहीं। शांत शांत लक्ष्मण, शांत रहने का अवसर नहीं है भैया। वो बड़ा विकट योद्धा है, लड़ते लड़ते थोड़ा थक जाए तब सामने जाओ श्रेष्ठ वीर। क्या कोई रणनीति नहीं है? रण की एक ही नीति होती है, शत्रु को जैसे बने परास्त करना है। परंतु अनीति की राह पर चलकर रहे लक्ष्मण, मैं तुम्हें शांत रहने को कहकर तुम्हारा उत्साह भंग नहीं कर रहा, बस केवल इतना सावधान करना चाहता हूं कि आवेश और उत्साह में अंतर होता है। सोच समझकर धीर गंभीर भाव से युद्ध करना। जाओ वीरवर, विजयी। अंगद मुंह की खाकर चले गए, पर अपनी वीरता का दम भरने वाला लक्ष्मण अभी तक कहां छुपा है? कहां है? मेघनाथ का सामना करते घबराता है। दम भी मेघनाथ, प्रलाप बंद कर। शस्त्र बेकार हो गए तो दंड बच्चों के समान पत्थर फेंकने लगे। क्या तुम्हारे धनुर्धारी राम और लक्ष्मण के तुनीर में कोई भी अस्त्र नहीं बचा? यदि मुझसे इतना डरते हैं तो दोनों भाई मुंह में तिनका दबाकर मेरी शरण में आ जाएं। हे गरजने वाले मेघ, लक्ष्मण आ गया है तुझे भी तेरे भाई अतिकाय के पास पहुंचाने के लिए। आज निर्णय हो जाएगा कि इस करजने वाले मेघ के नान में कितना छल बल और रण कौशल है। ले बचा अपना वक्षस्थल मेरे तीव्र बाणों से। आगा।
संत्रासक सैकड़ों का संहार करता हुआ तेरा नाश करेगा। से सूखे पत्तों की तरह सारी सेना बिखर जाएगी। दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, जितने भी शस्त्र चलाता है, नहीं दोनों में कोई नहीं, पीछे पाँव हटाता है, पीछे पाँव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाहुबल से एक शस्त्रों पर अभिमान करे, शस्त्रों पर अभिमान करे, एक रामचंद्र की जय बोले, एक रावण का जय गान करे, रावण का जय गान करे। मुस्काए राम रण देख चकित, सबको लक्ष्मण का बाण करे, सबको लक्ष्मण का बाण करे। यह महासमर वह जीतेगा जिसको विजयी भगवान करे, भगवान करे। दोनों अपने सम्मान हेतु प्राणों का दाव लगावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूर्यास्त होने के पश्चात इसकी माया शक्ति चौगुनी बढ़ जाएगी। यदि अपनी तामसी माया का प्रयोग करके आकाश में अदृश्य होकर लड़ने लगेगा तो उसकी जय निश्चित है। अब आपका रण में हस्तक्षेप करना आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण की सहायता के लिए आप बढ़िए राघवेंद्र। और
क्षण से मेरे अस्त्रों का अंत कर रहा है। आपके रणभूमि में आते ही वो भीरू डर कर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, इंद्रजीत नाम है उसका। उसके शौर्य की महत्वाकांक्षा की महिमा महाराज विभीषण से सुनकर भी ऐसी भ्रांत धारणा कर रहे हो उस योद्धा के लिए, निश्चय ही है उस असुर कुमार के युद्ध की कोई चाल है। ऐसे निश्चिंत रहो लक्ष्मण भैया, अदृश्य होकर माया युद्ध की कला में उससे बढ़कर कोई नहीं। सावधान रहना वीर कुमार। शस्त्र शस्त्र सो युद्ध में जब पायो रावण तुम्हारा अभिनंदन कर रहा है। तुम्हारी सदा जय हो बेटे। जय तो सदा आपकी है पिताश्री। शत्रु दल शोक सागर में डूब रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई कुछ ही क्षण में नाग पाश में दम तोड़ देंगे। फिर सुग्रीव, अंगद, जामवंत, हनुमान राम लक्ष्मण की शव यात्रा लेकर अयोध्या सरयू तक जाएंगे। विभीषण, कुंभकर्ण, नाना माल्यवान जी सभी एक ही राग आलाप रहे थे। राम कोई साधारण मानव नहीं है, पुरुषोत्तम है, अविनाशी है। वे सब मेरे मेघनाथ की शक्ति को नहीं जानते थे। इंद्रजीत तुमने प्रभु, वानर सेना उच्च शिविर में जय घोष की अनुमति चाहती है। किस उपलक्ष में अंजने निस्तब्ध रात्रि के मध्य में जयनाद क्यों? क्या हमने विजय प्राप्त कर ली? क्या राम रावण संग्राम का निष्कर्ष प्राप्त हो गया? युद्ध का उद्देश्य पूर्ण हुआ? नहीं अवधेश, हमारे जय घोष का उद्देश्य किसी प्रकार के अहंकार का प्रदर्शन नहीं है।
आप पर आए संकट के समाचार से सीता माता चिंता सागर में डूब गई होंगी। उनके हृदय पर छाए विषाद का निवारण करने के लिए अपने जयनाथ से उनको इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि कुशल मंगल से हैं। हाँ भैया, हमारी सेना के हृदय में उमड़ते उल्लास का भाभी तक पहुंचाने का एक यही साधन है। जैसी तुम्हारी इच्छा। जय श्री राम। कहते थे सवेरे का सूरज राम लक्ष्मण के जीवन के सूर्यास्त का समाचार लेकर आएगा। क्या मृत्यु के शोक में जयनाथ घुसता है? पिताश्री, मैं स्वयं इस शंखनाद से संशय में पड़ गया हूँ। विषाद में से ये विजयनाथ के स्वर कैसे गूंजने लगे? निस्संदेह ये वानर सेना की खीज नहीं, हर्षोल्लास की उमंग हमारा मुंह चिड़ा रही है। व्यंग बाणों से प्रहार करके शत्रु हमें चुनौती दे रहा है। जो अनिष्ट मंगल करके तुम आए थे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पिताश्री, अपने नाग पाश में राम लक्ष्मण दोनों को बांध कर मृत्युन्मुख करके छोड़ कर आया हूँ। महाराज की जय हो। गुप्तचर शुक तुरंत दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। आने दो। ईश्वर की जय हो। क्या समाचार लाए हो? शत्रु दल में कैसा कोलाहल मचा है? महाराज, ये कोलाहल नहीं है, वानर सेना में हर्ष अतिरेक का उत्साह उमड़ रहा है। किस कारण? लक्ष्मण और श्री राम। श्री मत कहो उसे, केवल राम कहो, जिसे हमारा इंद्रजीत मूर्खमुक्त कर छोड़ आया है। हाँ महाराज, वही राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए हैं। असंभव। युवराज, लगता है उनके यहाँ असंभव शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। कैसे संभव हुआ? किसने किया ये चमत्कार? पक्षियों के राजा गरुड़ ने उन्हें नागपाश से मुक्त कर दिया। गरुड़? गरुड़, वो गरुड़ जो विष्णु का वाहन है, क्या वही गरुड़ है? हाँ महाराज, और किसमें इतनी शक्ति हो सकती है कि नागपाश को छिन्न भिन्न कर सके? किसकी शक्ति का बखान कर रहे हो शोक? जब वैकुंठ पर चढ़ाई करके हमने विष्णु के सुदर्शन चक्र को प्रभावहीन कर दिया था, तब यही गरुड़ हमारी चंद्रहास खड़क से आक्रांत होकर मुंह छुपाकर क्षीर सागर में जा छुपा था। उस दुष्ट ने इतना बड़ा दुस्साहस कर डाला, अब सबसे पहले हमें उसे दंड देने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा। नहीं पिताश्री, घर में घुसे शत्रु का सफाया किए बिना एक पक्षी के पीछे भागना बुद्धिमानी नहीं है। शत्रु के बलाबल की थाह मैंने पाली है। आज नागपाश से बच गए तो क्या, कल मैं अपने सबसे शक्तिशाली अभिमंत्रित अस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध का निर्णय कर दूंगा। अभिनंदन का यह हर्षनाद संध्या ढले तक करुण क्रंदन में बदल जाएगा। हमारी सारी आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है इंद्रजीत। लंका के सागर तट पर दो भाइयों की चिता सुलग रही हो, वहाँ सरयू किनारे दूसरे दो भाइयों को जल समाधि देकर अयोध्या को लंका के अधीन करके तुम अयोध्यापति कहलाओ, यही हमारी अभिलाषा है बेटे। होगा, ऐसा ही होगा। राम पर विजय प्राप्त करके आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी करेगा आपका ये इंद्रजीत। विजयी भव। युवराज इंद्रजीत की जय। युवराज इंद्रजीत की जय।
इंद्रजीत की जय। युवराज 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 इंद्रजीत की जय। सावधान अयोध्यानाथ, आज रावण कुमार पूरी शक्ति के साथ तीव्र गति से चढ़ाई करने आ रहा है। हम भी सो नहीं रहे विभीषण जी, हम भी प्रबल वेग से टक्कर लेंगे। मुझे आज्ञा दे प्रभु, मैं आगे बढ़कर अपनी सेना की व्यूह रचना का निरीक्षण करूं। आगे बढ़ो बजरंगबली। जय श्री राम। लक्ष्मण, क्या नागपाश का विष नहीं उतरा अभी जो तुम्हें बेमौत मरने भेज दिया? अपने बल पे इतराने वाले अंगद हनुमान कहां जाकर छुप गए? जय श्री राम। हनुमान को जब याद करोगे प्रकट हो जाएगा। का वध करने नहीं आया है। जिसने मेरे भाई अधिकार का वध किया है उस लक्ष्मण से जाकर कहो कि कायरों की तरह मुंह न छुपाए, सामने मैदान में आए, उसकी मौत से ललकार रही है। हाय लक्ष्मण। क्या बात है अंगद? क्या मेघनाथ रणभूमि छोड़कर भाग गया? कल की विजय ने उसे उन्मत्त कर दिया लक्ष्मण भैया, बार बार गरज गरज कर आपको ललकार रहा है, कह रहा है कि कल के नागदंश के घाव भरे नहीं या इंद्रजीत की मार से डरकर इंद्रजीत से सामना करने का साहस नहीं रहा। भैया आज्ञा दीजिए, मेघनाथ की गर्जन समाप्त करने के लिए मेरे अस्त्र अधीर हो रहे हैं। किंतु तुम इतने अधीर न हो धीरवीर, उसका नाम मेघनाथ है, गरजना तो मेघ का स्वभाव है।
वीर सौमित्र, उत्तेजित होकर नहीं, एक धीर योद्धा की भांति जाओ। प्रभु, लक्ष्मण जी की सुरक्षा और सहायता के लिए कुछ योद्धा उनके साथ रहे। विभीषण जी, इन मायावियों की कपट लीला को विभीषण जी भली भांति जानते हैं। हमें उनके परामर्श की अवहेलना नहीं करनी चाहिए सौमित्र। अंगद। आज्ञा प्रभु। तुम, हनुमान, नल, नील, तत्परता पूर्वक लक्ष्मण के आसपास रहना। जो आज्ञा। धूल में मिला दिया है, देवताओं का गर्व चूर चूर किया है। रणभूमि में इन वानरों से खिलवाड़ करने में आनंद नहीं, किसी वीर की वीर के साथ टक्कर हो तो योद्धा की रणपिपासा पूरी होती है। अपने राम और लक्ष्मण से कहो कि सामने आए, या अपने अस्त्र शस्त्र हमारे चरणों में डालकर अयोध्या वापस लौट जाए। हम निशाचरों को यमलोक भेजे बिना हम अयोध्या कैसे लौट जाए मेघनाथ? आ गया तू, अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भैया को साथ नहीं लाया? बढ़ बढ़ कर नाद ना कर मेघनाथ। मेघनाथ के सिंहनाद का परिणाम तो तू देख ही चुका है, कल बच गया, लेकिन आज साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुझे बचाने आ जाएंगे तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। नहीं, दो तेजवंत दो शक्तिवान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पल में प्रत्यक्ष पल में अदृश्य, कभी धरती पर कभी अंबर में, ये मायाधारी मेघनाद अति सूक्ष्म रूप धर पल भर में, सूक्ष्म रूप धर पल भर में। सौमित्र नहीं कम किसी भात, रण कौशल के इस जौहर में, रण कौशल के इस जौहर में। दोनों सुवीर दोनों अजय, दोनों दोनों की टक्कर में, दोनों दोनों की टक्कर में। इस महासमर को देख देख सुर नर मुनि जन अकुलावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हार कभी आ लक्ष्मण के पास लड़े, लक्ष्मण के पास लड़े। श्री राम शपथ लेकर लक्ष्मण करने असुरों का नाश लड़े, करने असुरों का नाश लड़े। मेघनाद के माध्यम से रावण के अंतिम आस लड़े, रावण की अंतिम आस लड़े। शेषावतार धर लखन रूप इत रघुवर का विश्वास लड़े, रघुवर का विश्वास लड़े। अपने अपने वीरों की दोनों दल वीरदावली गावे, तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चलावे। भैया वो कपट युद्ध पर उतर रहा है, अदृश्य होकर प्रहार कर रहा है। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, संपूर्ण राक्षस जाति का नाश करने के लिए मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं। नहीं लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी है। शास्त्र उसके प्रयोग की आज्ञा हर परिस्थिति में नहीं देता, अतः हमें उत्तेजित होकर धर्मयुद्ध का मार्ग नहीं छोड़ देना चाहिए। परंतु राक्षस लोग किसी नीति को नहीं मानते, वो युद्ध में छल कपट का सहारा लेकर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। उनके मायावी शस्त्रों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए। युद्ध नीति कहती है, अयुद्धमानम प्रच्छन्नम प्रांजलिम शरणागतम पलायमानम मत्तम वा नहंतुम त्वमी हार्दसे। अर्थात जो सन्मुख युद्ध न कर रहा हो, शरण में आ गया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, उस पर ब्रह्मास्त्र जैसे महासंहारक अस्त्र का प्रयोग वर्जित है। परंतु नहीं लक्ष्मण, नहीं। अधर्म द्वारा प्राप्त की हुई विजय कभी कल्याणकारी नहीं होती। जो आज्ञा भैया। चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी, रणवीरन के उरचीरन को परगट रण माही भई बरछी। सब रोकन हारे हार गए, सब रोकन हारे हार गए, नहीं काहू के रोके रुकी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्मण आए लियो, सीधी उर माही धसी बरछी।
असुर योद्धाओं उठा लो इसे, डाल दो रथ पर, ले चलो पिताश्री के सम्मुख। ये तो धरती में गड़ गया है युवराज। हट जाओ। इंद्रजीत की विजय का उपहार लंकेश को मैं भेंट करूंगा। धर को हाथ लगाया तो धरती में समा जाओगे मेघनाद। ये स्वयं धरती को अपने फन पे धारण करने वाले हैं। तुम जैसे पापी के हाथों नहीं उठ सकते। मेघनाद सो नहीं उठे, शेष नाग को श्री लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुलाया हूं। अब राम का भी मस्तक काट कर आपके चरणों में ला दूं तो प्रतिशोध की ज्वाला बुझे। इंद्रजीत तुम्हारी जय हो, लक्ष्मण मर्दन करने वाले तुम्हारी जय हो, अयोध्या के होने वाले अधीश्वर तुम्हारी जय हो। धन्य हो वीरवर इंद्रजीत, तुमने पराजय की कगार पर पहुंची लंका की सेना में एक नई आशा का संचार कर दिया है। तुमने हमारी हारी हुई बाजी को जीत में पलट दिया है। लंका सदा तुम पर गर्व करेगी। हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन का अभी समय नहीं आया। अभिनंदन तो उस दिन कीजिएगा जिस दिन सारे उत्पात की असली जड़ को उखाड़ कर अस्तित्वहीन कर दूंगा। राम का मस्तक लाकर लंका के मुख्य द्वार पर लगाकर अपने काका कुंभकर्ण की प्रतिशोध की आग ठंडी करूंगा। उस दिन दिग दिगंत लंका का जयनाद गूंजेगा। पिताश्री, लंकेश्वर की संपूर्ण विजय होगी। धरती आकाश पाताल लंका की जय जयकार में गूंज उठेंगे। आज विजय में एक ही कसर रह गई कि लक्ष्मण का मृत शरीर लाकर आपके चरणों में भेंट नहीं कर सका। उठाते उठाते वो मरकट हनुमान बीच में आ गया और झपट कर ले गया। ले जाने दो वत्स, मुर्दे को घर में लाकर क्या करना है। मुर्दा शुद्ध होता है, मुर्दे का स्थान मरकट में ही होता है। राम भी देख लेगा, शीघ्र ही उसका भी इसी प्रकार अंत होने वाला है। उसे भी अपने भाई के मृत शरीर से लिपट कर रो लेने दो। पिताश्री, अधमरा तो अपने भाई की दुर्गति देखकर ही हो गया होगा। पूज्यनीय नाना जी, मैंने रघुवंश को निर्वंश करने का बीड़ा उठाया है। राम समुद्र पर सेतु बांध कर लंका में आया था। मैं राम की सेना के एक एक वीर को मारकर उनके मृत शरीरों का अयोध्या तक बिछा दूंगा और उन पर रौंदता हुआ विजयनाथ के साथ लंका की जय पताका फहराता हुआ अयोध्या में प्रवेश करूंगा। वत्स इंद्रजीत, वीर पुरुष कर्म करते हैं, पहले ही अपने मुख से उसका बखान नहीं करते। नहीं माल्यवान जी, हमारे इंद्रजीत ने सदा जिस कार्य का संकल्प किया उसे करके दिखाया। हे रघुवंश विजयी,
अयोध्या के भावी नरेश, हमें तुम्हारे अजय पराक्रम पर पूरा विश्वास है। हे वीर वन इंद्रजीत, राम की मृत्यु के पश्चात हम तुम्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन करके अपने हाथों राज तिलक करेंगे तुम्हारा। प्रतिहारी, हमारे गुप्तचरों को आदेश दो, लक्ष्मण की दशा की पल पल की सूचना हमें मिलनी चाहिए। और नगर में घोषणा कर दो, लंकावासी अपने युवराज की विजय का उत्सव मनाए। जैसे ही लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार मिले, शंखनाद हो, दुंदुभियां बज उठे, जिससे सीता भी यह शुभ समाचार सुन सके। जाओ